हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टमाटर की चटनी, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। आप ये चटनी चावल, रोटी, ब्रेड, इडली, डोसा के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। जितनी ये टेस्टी लगती है उतना इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं यह सीखते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। अभी हम इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे, इससे चटनी खराब नहीं होती है, 15 दिन तक आराम से टिक जाती है। तेल डालने के बाद हम इसमें सूखी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 12 सूखी मिर्च ली है, लाल वाली। इसे हम 1 मिनट तक भून लेते हैं मीडियम हीट पर। एक मिनट भूनने तक हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है और इसे बारीक कट किया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन आ गया है। अभी हम इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन लिया है कटा हुआ। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए, लाल रंग के टमाटर लीजिए। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम अभी हाई करेंगे। टमाटर को मैंने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 मिनट तक अच्छे से भून दिया है। अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन रखकर हम इसे और 10 मिनट पकाएंगे, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर इसे चलाएंगे एक बार। अभी हम इसे 10 मिनट रखेंगे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। 10 मिनट हो गए। मैंने 5 मिनट के बाद इसे चेक किया था। ये देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसे मीडियम हीट पर 10 मिनट रखा था। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम यही कढ़ाई लेंगे और इसमें 1/2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद हम इसमें चना दाल डालेंगे 1 चम्मच और दाल को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। दाल का कलर गोल्डन आ गया है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में पीसेंगे। अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, हम इसे मिक्सी के जार में डालते हैं। नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। इसके बाद यहाँ पर मैंने गीला नारियल लिया है, घिसा हुआ, ये डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद हरा धनिया, ढक्कन लगा लेते और इसकी बारीक पेस्ट हम बना लेते। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने टमाटर को पीस लिया है। अभी हम इसे कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालते। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। अभी हम इसमें जो पिसा हुआ चटनी है वो डालते हैं। मीडियम हीट पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे 1/2 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का।
कलर आने के लिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। तीन मिनट हो गए, मैंने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स किया है। अभी हम गैस बंद कर लेते और चटनी के लिए हम तड़का बना लेते। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन लिया है और इसमें एक चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। अभी हम इसमें हींग डालेंगे आधी चम्मच से कम। इसके बाद सरसों एक चम्मच, करी पत्ता 10 से 12, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तड़का को हम इस चटनी के ऊपर डालेंगे। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीख लिया कि टमाटर की चटनी कैसे बनाते। आप इस टमाटर की चटनी को बनाकर 10 से 15 दिन तक रख सकते फ्रिज में, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती। इस चटनी को हम इडली, डोसा या चावल के साथ भी खा सकते या फिर ब्रेड के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।